काबले नास्तो वगीरे तोल मसा के नास्तो डेर खख वगीरा नौजवान खूबसूरत हसीन जमील काबली हर एक बड़े को मामू कहते हैं मामा मामा नुरखुरे मैं बेलकोल राड़ा मैं तेरा कवाज बैस कंप मीना ता पर रजा के इनकार न लरा। खैर हमने कहा हम बालाकोट जा रहे हैं वापसी पर आपके पास बैठेंगे और बुट्टे खाएंगे बहुत ज्यादा। उसने कहा बहुत अच्छा मैं अच्छे अच्छे बुट्टे ले आऊंगा। हम आए दो तीन दिन बाद उसका भाई या कोई बैठा हुआ था। हमने उसका पूछा कि वो लड़का कहाँ है। उसको बड़ा गुस्सा है मैं नहीं जानता हूं कौन सा लड़का यार इसी अड्डे पर बैठा हुआ था तीन दिन पहले। मंसूर भाई ने कहा कि वो आदमी वो पहाड़ के नीचे कूलर पकड़ हुआ आ रहा है। हम खड़े रहे वो आया बड़ी आओ भगत की अपने दस्तूर के मुताबिक इस्तकबाल किया बड़ा खुश हुआ चादरें बिछाई जगह ठीक किया। हर रोड तो वही मामा कराची के दिल लोड़ सा रहे रहे सलूर सौ वगियुम फड़ेशी पे हुआ। ये मामू कराची में बड़ा आलिम है एक टाइम पे 400 गुट्टे खा सकता है। मतलब ये कि ये अच्छे सखी आदमी ये मतलब तो वे मामा कराची की लोड़ आलिम ने लोड़ पश्तों में ऊंचे को गए और 400 भुट्टे खा सकता है। अल्लाह अकबर। जिस मुल्क में जाओ वहां की नेमतों से भी फायदा उठाओ। मौलाना तकी उस्मानी हजरत बनोरी के साथ अफ्रीके के सफर में थे। आगे एक जलसे में मौलाना तकी ने एक मकाला पढ़ना था। मौलाना बिंडोर ने कहा शेख अशाब अतकी उतरो खासा तमत्ता मिनहाउला फलवार वाल खदरावार छोड़ मकाले रख रख सिर पे देखो ये कैसे बागात है कैसे दरख्त है कैसे शानदार हरे भरे हालात है। तमत्ता मिन शमी में आरार नजदिन फमा बादल अशियत बिन आरारी। गुलिस्तान में शेख सादी ने कहा कि मैंने लोगों को देखा दोस्तों को जा रहे थे असर के बाद कहां जा रहे हो कब बाग क्यों कब फूल तोड़ के लाएंगे अच्छे अच्छे फूल मौसम में बहार है। कब मैंने कहा बच कार आए दत गुल तबके अस गुलिस्तान इमम बुरवर के क्या फर्क पड़ेगा एक तबाख दो तबाख भर के ले आओगे गुल हमी चंद रोज शश बाशन सारे फूल ज्यादा से ज्यादा 6 दिन हफ्ता ताजे होंगे वही गुलिस्तान हमेशा खुश बाशन। मैंने ऐसी किताब गुलिस्तान लिखी है जो क्यामत तक तरोताजा रहेगी। अनवर शाह साहब ने फरमाया मेरा इलम पुख्ता इसलिए है कि देवबंद जाने से पहले 5 साल तक थाकोट में मौलाना फजल खालिक साहब से फारसियात पढ़ता रहा। जो इलम के शुरू में फारसियात शौक से पढ़े अल्लाह उनको इलम की पुख्तगी अता फरमाए।